Yada sangharte chayam kurmo angani vasarvashah. Indriyani indriyarthe vyastasya pragya pratishthita. Yada sangharte chayam kurmo angani vasarvashah. Indriyani indriyarthe vyastasya pragya pratishthita. अर्थात जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है वो पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तो भगवान एक बहुत ही प्यारा उदाहरण देते हैं एक अन्य जीव के साथ, एक अन्य प्राणी के साथ, और वो प्राणी है कछुआ। कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है। जब भी कछुआ देखता है कि उसे कोई संकट का सामना करना है, जब उसे देखता है कि कोई संकट उस पर आन पड़ा है, तो उसका एक ही काम होता है, वो फटाफट से अपने समस्त अंगों को अपने खोल के भीतर कर लेता है। उसका खोल बिल्कुल सख्त होता है और उसके अंदर वो छुपा लेता है। तो कछुए का बड़ा ही सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि भगवान एक प्रकार से ये तरीका बता रहे हैं कि इंद्रियों को अगर आप अपने इंद्रिय विषयों से खींचना चाहते हैं तो कछुए से सीखिए कि कैसे वो इंद्रिय विषयों से यानी संकट से अपने आप को बचाता है। तो इंद्रिय विषय देखा जाए तो वास्तव में संकट का कारण है। जितना इंद्रियां अपने इंद्रिय विषयों में रत रहेंगी, प्रवृत्त रहेंगी, उतना ही आत्मा को संकट से जूझना होगा, उतना ही आत्मा अपने आप को भूल जाएगा, आत्मा भगवान को भूल जाएगा, जिसके बगैर उसकी गति ही नहीं। अगर किसी ने मानव तन ग्रहण किया है और वो भगवान को भूल जाए, अपने आप को भूल जाए, तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो किसी योगी भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वो अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, और ऐसे व्यक्ति को गोस्वामी कहा जाता है। गो का अर्थ है इंद्रिया, गोस्वामी का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को अपनी मर्जी के अनुसार चलाना सिखाया है, जो इंद्रियों की मर्जी के अनुसार नहीं भाग रहे। आज की तारीख में एक आम आदमी अपनी इंद्रियों के पीछे पीछे भाग रहा है। 10 इंद्रियां हैं और 10 इंद्रियों के विषय हैं, और एक ही आत्मा है, और जब वो 10 दिशाओं में भागने लगता है तो उसकी क्या हालत होती है? कहां वो अपने को याद रख पाएगा कि मैं देह नहीं हूं? कहां वो ये याद रख पाएगा कि भगवान से ही मेरी उत्पत्ति हुई है, भगवान का ही मैं अंश हूं, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए? उसे ये बात याद नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो 10 इंद्रियों को उनके विषयों का सुख देने की चेष्टा करता रहता है तमाम उम्र। यही उस आत्मा का कार्य हो जाता है इस देह अभिमान, देह की बद्ध अवस्था। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा अब बद्ध अवस्था में है। तो यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्र विषयों से खींच लेता है, तो यहाँ दो बातें होंगी। इंद्रियां तो अपने इंद्रिय विषयों की तरफ मुड़ेंगी ही मुड़ेंगी, लेकिन जिस व्यक्ति को ये टेक्निक आती है कि वो उनसे अप्रभावित होकर के उनकी मांगों से प्रभावित ना हो और अपनी इंद्रियों को खींच ले इंद्रिय विषयों से, तो वो व्यक्ति अपनी पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर हुआ कहलाता है। पूर्ण चेतना मतलब कि आप आत्मा है और आप भगवान के अंश है, यही पूर्ण चेतना है। अगर किसी को ये नॉलेज नहीं है, ये जानकारी नहीं है, इसका अर्थ ये है कि ऐसे व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता, उसे कोई ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत तो यही है। तो इंद्रियों को उनके विषयों से कैसे खींचा जाए, इंद्रियों को कैसे मनाया जाए कि वो अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त ना हो, उन्हें भोगने की चेष्टा ना करें, क्या ये संभव है? तो अगले श्लोक में भगवान स्पष्ट करते हैं कि किस प्रकार से इंद्रियां आराम से आपकी बात मान सकती हैं, उन्हें ऐसी क्या चीज दे दी जाए कि इंद्रियों की जो अनुचित मांगे हैं वो समाप्त हो जाए।
तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं,